असलम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस में बायोजियो केमिकल साइकल्स आपके नहीं है कार्बन साइकिल भी नहीं है आपका उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल भी आपका नहीं है और उसके बाद जो टॉपिक है वन वन टी टू के ऊपर इंटरेक्शन इन इको सिस्टम है ठीक है आपकी जो तो पीछे से एक नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है अब यह इंटरेक्शन इन इको सिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इको के अंदर रह है रहे हैं उनके अंदर इंटरेक्शन यानी कि उनके अंदर रिलेशनशिप कौन कौन सा होता है इन ऑल इको सिस्टम दी आर मैनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म द इंटरेक्शन बिटवीन द मेम्बर ऑफ द सेम स्पीशीज इज़ कॉल्ड इंटरा स्पेसिफिक इंटरेक्शन वाल द इंटरेक्शंस बिटवीन मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ठीक है अंडरलाइन करना है आपने कि अगर वो रिलेशनशिप सेम स्पीशीज़ के दरमियान में होगा तो आपने उसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहना है अगर वो रिलेशनशिप जो होगा डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होगा तो उसको आपने इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहना है डिफरेंस बिटवीन इंटरा स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ठीक है ये आपने यहाँ से अंडरलाइन करना है सम इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इको सस्टम आर्गी मान लो नंबर वन कम्पिटिशन कम्पिटिशन कहना मुकाबला करना इनोसस्टम द नेचुरल रिसोर्स न्यूट्रल स्पेस आर यूजली इन शॉर्ट सप्लाई इको सिस्टम के अंदर अगर नेचुरल रिसोर्स देखें जिसके अंदर शेल्टर आ जाता है स्पेस आता है उसके अंदर न्यूट्रन्स वगैरह आते हैं कहते हैं इन शॉर्ट सप्लाई शॉर्ट सप्लाई में होते हैं सऊदी अरिजन कम्पिटिशन अमांग द आर्गेजम ऑफ एको सस्टम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स तो जिसकी वजह से इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म के दरम्या क्या होता है मुकाबला होता है इन रिसोसिस को हासिल करने के लिए द कम्पिटिशन में भी इंट्रास्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफ़िक ठीक है ये स्पीशीज़ के दरमियान में भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज़ के दरियान में भी ये कम्पिटिशन ये मुकाबला हो सकता है इंट्रास्पेसिफिक कम्पिटिशन इज़ ऑलवेज स्ट्रॉगर एंड मोर स्वियर दैन द इंटर स्पेसिफिक कम्पिटिशन कहते हैं अगर ये कम्पटिशन सेम स्पीशीज़ के दरमियान होगा तो वो क्या होगा स्ट्रोंगर होगा और स्वियर होगा एज़ कम्पेयर टू इंटर स्पेसिफ़िक कम्पिटिशन क्योंकि अगर सेम स्पीशीज़ के दरमियान वो मुकाबला कम्पिटिशन होगा तो वो क्या होगा स्ट्रॉगर और स्वियर होगा क्योंकि वो अपने ही अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स के दर को क्या कर रहे होंगे उनके उनको मार रहे होंगे कम्पिटिशन हेल्प इन मेनटेनिंग का बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल सोर्सेज कम्पिटिशन का फ़ायदा क्या है इसका एडवांटेज क्या है कि इसकी वजह से जो रिसोर्स होते हैं उसके दरमियान में बैलेंस जो होता वो हो है वो मेंटेन हो जाता है एंड द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज और स्पीशीज का नंबर बी जो होता है वो क्या हो जाता है मेंटेन हो जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीशीज जो हैं बहुत ज़्यादा उनकी नस्लें बड़ी तेज़ी के साथ उनमें इजाफा हो रहा होता है तो फिर क्या होता है कि जब उनके दरमियान में कंपटीशन होता है मुकाबला होता है तो एक एक स्पीशीज जो होती है वो अपने आप को स्ट्रॉगर होती है और एक जो होती है वो क्या करती है अपने आप को इतना शो नहीं करती तो जिसकी वजह से एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज को या अपनी स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान जब ये कंपटीशन होता है तो उसको मारती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिसोर्स के दरमियान में भी बैलेंस हो जाता है और इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज के दरम्या में भी जो है वो क्या हो जाता है बैलेंस हो जाता है ठीक है तो उसके बाद प्लांट्स आल्सो शो कम्पिटिशन फॉर स्पेस लाइट वाटर एंड मिनरल्स प्लांट भी जो है वो कंपिटिशन शो करते हैं किसके लिए लाइट के लिए वाटर के लिए एंड मिनरल्स वगैरह के लिए ठीक है तो ये आगा, आ गया कंपिटिशन इसके बाद प्रीडेशन आ गया शिकार ठीक है इट इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल इन प्रीडेशन शिकार के अंदर वन ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर जिसको हम uh, शिकारी कहेंगे अटैक्स एंड फीड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म प्रे जिसको हम शिकारी शिकार और शिकारी कहेंगे ठीक है प्रीडेटर क्या होगा जो शिकार करने वाला होगा और प्रे जो होगा जो जिसको वो जिसका वो शिकार करेगा सम एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रीडेशन आर गिवन ब्लो ऑल कारनीवोरस एनिमल्स आर प्रिडेटर तमाम कॉर्नीवर्स जो प्लाट्स एनिमल्स होते हैं यानी कि गोश्त और जो एनिमल्स होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक प्री अपॉन मॉस्टो एंड फ्रॉक स्परे अपॉन रेबिड देयर आर सम एग्जाम्पल वे आर प्रीडियटर इस्परे अपन बाय सेकेंड प्रीडेटर एंड द सेकेंड वन स्प्रे अपोन बाय थर्ड प्रीडेटर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक प्रीडेटम अपन बाय स्नेक प्रीडेटम नंबर टू अ स्नेक इस्प्रे अपन बाय इगर प्रीडेटर नंबर थ्री ठीक है तो ये प्रीडेशंस का आ गया ठीक है स्टूडेंट इसके बाद जो है वो शो कर रहा है किसके अंदर प्लांट्स के अंदर बता रहे हैं सर्टन फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट्स सन ट्यू विनस फ्लाई ट्रैप आर कॉर्नीवर्स एंड लिवस एज प्रीडेटर ठीक है plants, example, plants, predator, कुछ पौधे जो होते हैं मिसाल के तौर पर पिचर प्लांट है सन ट्यू है विनस फ्लाई ट्रैप जो है ये ऐसे कार्नीवर्स प्लांट्स के तौर पर होती हैं और प्रीडेटर के तौर पे एक्ट करती हैं सच प्लांट्स लिव इन एरिया वेयर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग ये उन एरिया पे ग्रो करती हैं दलदली इलाकों में ग्रो करते हैं जहाँ पे इन मिनरल्स की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है द फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल दियर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट तो क्या करते हैं कि ये इंसेक्ट्स के खूब खाते हैं ताकि अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करें दिस प्लांट्स हैव मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट इंसेक्ट इन प्लांट के अंदर मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिक्रेट स्वीट नेक्टर नेक्टर कहते हैं जूस के उनमें से हाथ स्पेशल किस्म का सिक्रीट होता है मीठा सा जूस होता है डेट अट्रैक्ट द इंसेक्ट सर्चिंग फॉर फूड जो उन इन्स, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं जो फूड की तलाश में होती हैं देयर देयर लीव्स आर आल्सो मॉडिफाइड टू तो कैप्चर द प्रे और इसके अलावा इन प्लांट जो कार्निवोर्स प्लांट्स होती हैं इनके लीव्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती है जिसकी वजह से वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेती है अगर हम देखें ये पिचर प्लांट, तो ये इसका लीफ है सुराही तना इसकी शक्ल होती है उसके ऊपर एक ढक्कन सा लेड होता है और वेरी खूबसूरत होता है काफ़ी ज़रा खूबसूरत होता है क्या होता है इंसेक्ट्स इसके ऊपर जूँ ही बैठते हैं ये टक्न बंद हो जाता है और इंसेक्ट इस पिक्चर इस सुराही के अंदर चला जाता है और फिर इसकी अंदर की वॉल्स जो होती हैं वो डाइजेस्टिव इंसान को खारिज करती हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाए सन ड्यू इसी तरह से ये खूबसूरती देखते हुए जब इंसेक्ट इसके ऊपर आता है ये रोल हो जाता है और इस तरीके से वह इंसेक्ट्स को डाइजस्ट कर लेता है ताकि अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरे करें अगर विनस फ्लाई ट्रैप है जो ही इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं या फिर ये लीफ है लीफ के अंदर मॉडिफिकेशन ये सारी लीफ की मॉडिफिकेशन है ये बंद हो जाता है और इस तरीके से वो अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है ठीक है उसके बाद है प्रीडेटर की द प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक प्रीडेशन से क्या होता है प्रे की पॉपुलेशन जो होती है वो अंडर चेक होती है सो मेन्टेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस ह्यूमन बेनीफिट फ्राम दिस इंटरेक्शन इन दाओलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बीड्स एंड पैट्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल पैट्स इन एन एरिया दियर प्रीडेटर्स आर रिलीज दियर इंसान जो है उसने उस इंटरैक्शन को प्रीडेटर के इंटरेक्शन को अपने बायोलॉजिकल के तौर पर उसको इस्तेमाल किया है और उसमें क्या किया वीड्स वगैरह जो पौधों को सूंडियाँ वगैरह जो होती हैं पेट्स वगैरह छोटे छोटे कीड़े वगैरह जो होती हैं वो उसका लग जाती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो वहाँ पे प्रीडेटर को रिलीज़ करती हैं और इस तरीके से ये प्रीडेटर जो होते हैं उन उन कीड़ों को सूंडियों वगैरह को क्या कर लेते हैं खा लेते हैं और इस तरीके से बायोलॉजिकल उसको वीड्स इंसान ने बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट को इस तरीके से कंट्रोल किया है सुरुणकालीन इंशाल्लाह ताला सिम्पियासिस करेंगे ओके अल्लाह हाफिज़